नज़रअंदाज किया गया, ये कुमार अशोक जी आपके सामने बैठ के कह रहे हैं, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आज युवाओं के ऊपर आपने इस मुद्दे को उठाया, और युवा होने के नाते, कांग्रेस पार्टी का युवा प्रवक्ता और युवा नेतृत्व राहुल गांधी का होने के नाते मैं कहना चाहता हूं भाजपा को कि रुख मोड़ के मैदान से भागे नहीं जाते, जुमलों के तेरे बोझ संभाले नहीं जाते। हम जिस हाल में हैं अब उस हाल में रहने दो, हम युवा हैं, आने वाले भारतवर्ष के नींव के पत्थर हैं जो तराशे नहीं जाते। आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस युवाओं के भविष्य को तराशना चाहता है, और तराशना चाहता है अपनी एक सोच के तहत जिसके कारण युवाओं का भविष्य और युवाओं के आने वाला कल खतरे में है। आज जिस तरीके से भाजपा प्रवक्ता ने ये बोला कि हम युवाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कृपया करके हंसी के पात्र मत बनिए। भारत गांधीवादी देश था, गांधीवादी देश है और गांधीवादी देश रहेगा। हर दौर में गांधी रहा है, गांधी ने इस देश को आज़ादी दिलाई है, गांधीवादी सोच ने देश को चलाया है, और आने वाला समय भी गांधी का ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक युवा होने के नाते मैं विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि आप जब बात करते हैं युवाओं की तो हमको बताइए कि नजीब कहाँ गया, आप बात करते हैं युवाओं की तो ये बताइए रोहित विमला कहाँ गया, आप बात करते हैं युवाओं की तो मुझे ये बता दिए रकबर खान वो भी युवा था और चंदन गुप्ता वो भी युवा था। आज अत्याचार जो एनसीआरबी का डेटा कह रहा है युवा और दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा बीजेपी शासित राज्यों में बढ़ा हुआ है। कुमार अशोक जी, जवाब तो देना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है। सैफ अली नकवी, कुमार अशोक जी या तो सीधे आरोप लगा रहे हैं, आप पे सीधे कह रहे हैं कि हंसी के पात्र मत बनिए,